हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आईपी वीडियो ट्यूटोरियल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव। इन प्रीवियस वीडियो वी लर्न अबाउट रेडियो वेव्स एंड इट्स प्रॉपर्टी। नाउ वी लुक माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड वेव्स। माइक्रोवेव्स एज वी लुक, माइक्रोवेव्स आर दोज वेव विच वी कैन सी रेंज वेरी फ्रॉम 300 MHz टू 300 GHz। इस फ्रीक्वेंसी बैंड के बीच जो भी वेव्स हैं उसी को हम लोग माइक्रोवेव कहते हैं। इसमें से ये जो रेंज है इसमें से कुछ पोर्शंस ओवरलैप होता है रेडियो वेव के साथ में। तो जैसे कि 0.3 GHz टू 3 GHz ये जो बैंड है यहाँ तक रेडियो वेव भी मानी जाती है और माइक्रोवेव मानी जाती है, तो ये क्लियर कट नहीं है। इसीलिए इस बैंड का या इस फ्रीक्वेंसी का यूज कहीं और नहीं किया जाता। माइक्रोवेव रेडियो वेव से थोड़ा सा अलग होता है। माइक्रोवेव ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन जबकि रेडियो वेव्स प्रोपगेट इन ओमनी डायरेक्शनल। माइक्रोवेव एक ही दिशा में चलने वाली है और ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करती, जैसे दीवारों से बाहर नहीं निकलती माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स रेडियो वेव की तुलना में कम दूरी ट्रेवल कर पाती है। तो अगर हमें लंबी दूरी ट्रेवल करनी है तो हमें बार बार माइक्रोवेव को ट्रेवल करने के लिए टावर की जरूरत पड़ती है, जिनको हम लोग एंटीना भी कहते हैं। इस डायग्राम में देखते हैं कि ऑफिस 1 और ऑफिस 2 जो कि काफी दूरी पर है, हमें माइक्रोवेव ट्रांसमिट करनी है तो माइक्रोवेव इतनी दूरी ट्रेवल नहीं कर पाती और ये स्ट्रेट लाइन में जाती है, तो हमें क्या करना होगा। तो हमें यहाँ पर माइक्रोवेव को ऑफिस 1 से 2 तक ले जाने के लिए एक टावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इस टावर से हमने सिग्नल को सेंड किया। ये सेंडर रिसीवर दोनों का काम करता है, ये यहाँ से रिसीव कर रहा है देन अगेन इसको सेंड कर रहा है अनदर टावर के लिए। तो ये जो कम्युनिकेशन का जो तरीका है ये माइक्रोवेव के लिए यूज किया जाता है, जबकि रेडियो वेव में ऐसा नहीं होता। हमने अभी देखा कि माइक्रोवेव एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करती है जिसको यूनिडायरेक्शनल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में करती है ट्रेवल। तो इनके जो एंटीनाज है, ये देखिए एंटीना, ये अलाइंड होने चाहिए, जबकि रेडियो वेव में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट जरूरी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हम जब कोई भी टीवी ऑन करते हैं तो वो टीवी के सामने ऑन करना जरूरी होता है, इसलिए रिमोट को टीवी के सामने रखा जाता है। तो एंटीना भी अलाइन होगा। अब दो टावर के बीच कितनी दूरी हो सकती है ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी बैंड की माइक्रोवेव या कौन सी फ्रिक्वेंसी की माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं और टावर की हाइट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग टावर के बीच की डिस्टेंस को तय कर पाते हैं। नाउ अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये काफ़ी सस्ती टेक्नोलॉजी है वायरलेस मीडिया की, जो कि फिजिकल मीडिया से काफ़ी चीपर वे है। और अगेन क्योंकि ये वायरलेस है तो डिफिकल्ट टेरिटरी में भी इसका काफ़ी एडवांटेज मिलते हैं जहाँ पर फिजिकल केबल खींचना पॉसिबल नहीं हो।
हाँ, जैसे कि हमने बात की थी कि ट्रांसमिशन एक स्ट्रेट लाइन की तरफ होता है, स्ट्रेट लाइन की में ही होता है, तो एंटीना शुड बी प्रॉपर अलाइंड। इसके लिए हम इसको कह सकते हैं यूनिडायरेक्शनल या फिर लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल, ये मोटी दीवारों को भेद नहीं पाती। जनरली इसका यूज सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, सेलुलर फोन और वायरलेस लैन के लिए किया जाता है। ये तीन ऐसे वाइड एरिया है, एप्लीकेशंस है जहाँ पर इनका यूज किया जाता है। नाउ अब हम बात करते हैं इंफ्रारेड के। इंफ्रारेड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 GHz टू 400 THz। ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है। हमने नोटिस कर रहे हैं जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यस, वैसे वैसे हमारी वेव चेंज तो हो ही रही है, साथ में उनकी ट्रेवलिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। जैसे कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी की अभी तक हमने बात की वो है रेडियो वेव्स, जो कि लंबी दूरी तक आती है। देन माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी है रेडियो से, जहाँ पर छोटा दूरी तय की जाती है। इंफ्रारेड उससे भी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स होती है और ये बहुत कम दूरी तय कर पाती है। इसका यूज हम लोग घरों में जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनके लिए काम में ली जाती है। इसको इंफ्रारेड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो फ्रिक्वेंसी बैंड है ये बिल्कुल रेड लाइट के नजदीक होता है, इसीलिए इसको फ्रिक्वेंसी बैंड की वजह से इंफ्रारेड कहा जाता है। तो अब हम लोग उसकी बात कर रहे थे कि इसकी रेंज की, तो ये रेंज करीबन 5 मीटर तक वेरी करती है। ठीक है, तो 5 मीटर तक हम लोग, मतलब घर में जब हम लोग होते हैं तो हम लोग जो टीवी का रिमोट है या फिर ऐसी कोई भी वायरलेस एसी हो गया, ठीक है, जो कि हम लोग ऑपरेट करते हैं, हमारे होम थिएटर्स हो गए, कॉर्डलेस माउस हो गया, कॉर्डलेस कीबोर्ड हो गया, एक्सेट्रा, ये सभी इंफ्रारेड से यूज में लिए जाते हैं। ये इजी और बेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसका मेजर ड्रॉबैक ये है कि दे डू नॉट पेनिट्रेट या पास थ्रू सॉलिड ऑब्जेक्ट योर वॉल। अगर हम लोग दूसरे कमरे में बैठे हो, अगर हम लोग टीवी का रिमोट वहां से प्रेस करें तो किसी और रूम में रखी गई टीवी पर इफेक्ट नहीं आता क्योंकि वो दीवार को क्रॉस नहीं कर पाता। ये एक एडवांटेज भी ले सकते हैं कई बार। अब इसके हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो अगेन इसका जो ट्रांसमिशन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में होता है जिसको लाइन ऑफ साइट कहा जाता है, बिल्कुल माइक्रोवेव की जैसे। तो डिवाइसेस शुड बी अलाइंड होना चाहिए, या फिर हम लोग ये कह सकते हैं फायदा हमें ये मिल जाता है कि जब हम लोग लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं कि इंफ्रारेड एक ही दिशा में चलती है तो उससे दूसरे डिवाइसेस की प्रॉब्लम भी नहीं होती, तो ये अच्छी बात है कि दूसरे डिवाइस को इंटरफेयर नहीं करती क्योंकि ये अपनी ही दिशा में चलती है, एक ही डायरेक्शन में। नो गवर्नमेंट लाइसेंस रिक्वायर टू यूज इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को यूज़ करने के लिए किसी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि हमने देखा कि माइक्रोवेव और सॉरी रेडियो पर जो होती है वहाँ पर किसी तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है। इट इज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशंस, ये एक ही दिशा में ट्रेवल करती है, इसलिए एट द सेम टाइम ओनली टू डिवाइसेस कैन बी कनेक्टेड वाया इंफ्रारेड, है ना, कि भाई जब एक ही डायरेक्शन में जाती है तो उसके दो ही पॉइंट होंगे, एक सेंडर एक रिसीवर, तो दो ही डिवाइसेस कनेक्ट हो पाती है, मतलब एक रिमोट से एक टीवी चलेगा, है ना। अगेन द वेव डू नॉट क्रॉस एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट बिटवीन परफॉर्मेंस ड्रॉप विथ लॉन्गर डिस्टेंस, और जैसे जैसे हम लोग डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो उसकी परफॉर्मेंस लॉस होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने ये देखा कि
कि किस तरह से माइक्रोवेव और इंफ्रारेड वेव्स वर्क करती है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज है। और लास्ट वीडियो में हमने रेडियो वेवगाइड सीखा, यही तीन मेजर वेव्स होती है जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए काम में ली जाती है। नाउ इन नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे कुछ कम्युनिकेशंस की, जैसे कि सैटेलाइट और ब्लूटूथ कम्युनिकेशंस। दे आर नॉट वेव, दे आर कम्युनिकेशन वे, तरीके, ये तरीके हैं, ये वेव्स नहीं है। इन तरीकों में भी हम लोग या तो इंफ्रारेड या माइक्रोवेव या रेडियो वेव का यूज करेंगे। तो वो जो तीन हमारे पास में वेव्स हैं, रेडियो, माइक्रो और इंफ्रारेड, यही तीन यूज की जाती है हमारे वायरलेस मीडिया के अंदर। तो दुनिया में अगर कोई वायरलेस डिवाइस हम लोग यूज कर रहे हैं जिसमें वायर नहीं है और कम्युनिकेशन हो रहा है, तो उसके अंदर तीनों में से कोई एक वेव होती है। नाउ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।